hey guys how are you all i hope you all are doing great of course i am so welcome back to my youtube channel english english with subtitle today again as usual i have brought you all the very important subtitle of the movie named triple threat it is really a wonderful movie to learn english because it has you know some common sentences that we use in our daily life so if you want to improve Your English through movie subtitle. Please stay tuned with me till the end of this video. So, without any further delay, let us jump into today's lesson. Our first and foremost sentence of today's class is क्या आपके पास कोई idea है जो आप कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई idea है जो आप कर रहे हैं? Do you have any idea? वाट यू आर डूइंग डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू आर डूंग क्या आपके पास कोई आइडिया है जो आप कर रहे हैं डू यू हैव एनी आइडिया वाट यू आर डूइंग ही इज़ फर्दर से इंग दैट जारी रखने से पहले दो बार सोचें जारी रखने से पहले दो बार सोचें थिंग टू आइज़ बिफोर यू कंटिन्यू थिंग टू आइज़ बिफोर यू कंटिन्यू एंड ही इज फर्दर टेलिंग दैट आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ द मैन इज अ मेजर टैररिस्ट आगे बोल रहे है ये आदमी एक प्रमुख मीन्स जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेजर आदमी एक बड़ा आतंकवादी है प्रमुख आतंकवादी है द मैन इज अ मेजर टैररिस्ट द मैन इज अ मेजर टैररिस्ट नेक्स्ट ब्रदर पहचाना कि नहीं मुझे आप याद हैं पूछते हैं ना कि भाई आपने मुझे पहचाना या नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है रिमेंबर मी पहचाना कि नहीं रिमेंबर मी वैसे इसका जो करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस होता वो क्या होता है डू यू रिमेंबर मी बट यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है पूछ रहे हैं यहाँ पर पहचाना कि नहीं रिमेंबर मी मुझे आप याद हैं आई रिमेंबर यू मुझे आप याद हैं आई रिमेंबर यू अब आगे बोल रहे हैं यू किल्ड माई वाइफ तुमने मेरी पत्नी को मार डाला तुमने मेरी पत्नी को मार डाला यू किल्ड माई वाइफ यू किल्ड माई वाइफ तुमने मेरी पत्नी को मार डाला आगे बोल रहे हैं फॉर दिस आई विल किल यू इसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा इसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा फॉर दिस आई विल किल यू नेक्स्ट माय फ्रेंड हमें बात करने की ज़रूरत है वी नीड टू टॉक अब ये आदमी यहाँ पर इससे बोल रहा है हमें बात करने की ज़रूरत है वी नीड टू टॉक आप बोलते हैं ना कि भाई हमें आपसे बात करने की ज़रूरत है या हमें बात करने की ज़रूरत है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वी नीड टू टॉक ये आदमी उनसे कह रहा है मैंने अपने कई दोस्तों को आप दोनों की वजह से दफनाया मैंने अपने कई दोस्तों को आप दोनों की वजह से दफनाया आई बरीड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ यू टू आई बरीड रीड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ यू टू बरी का मीनिंग क्या होता है दफनाना दफन करना आई बरीड रीड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू टू अभी ये लड़का उसे कह रहा है जिसने अभी ये प्रीवियस सेंटेंस बोला था आ, ये लड़का उसे बोल रहा है ये वो नहीं जो तुम सोचते हो इट इज़ नॉट वाट यू थिंक आप बोलते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इट इज़ नॉट वाट यू थिंक इट इज़ नॉट वाट यू थिंक अब ये आगे बोल रहा है यूबर विद द किलर्स दैट कैम इन् टू माई कैम्प आप मेरे शिविर में हथियारों के साथ थे आप मेरे शिविर में जो हथियारें आए थे उनके साथ थे यूबर विद द किलर्स दैट कैम इं टू माई कैम्प यूवर विद द किलर्स दैट कैम इं टू माई कैम्प अब ये लड़का उससे बोल रहे हैं हमें बताया गया था कि हम एक मानवीय मिशन पर थे हमें बताया गया था कि हम एक मानवीय मिशन पर थे वी वर टोल्ड वी वर ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन मिशन वी वर टोल्ड वी वर ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन मिशन बट वी वर लाइक टू लेकिन हमसे झूठ बोला गया बट वी वर लाइक टू लेकिन हमसे झूठ बोला गया तो आप बोलते हैं ना कि भाई हमसे झूठ बोला गया था तो उसको हम कैसे बोलेंगे वी वर लाइक टू वी वर लाइक टू नेक्स्ट माय फ्रेंड अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखें हिलना मत अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखें तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे पुट योर हैंड्स अबव योर हैड डू नॉट मूव पुट योर हैंड्स अबव योर हैड नेक्स्ट माय फ्रेंड पुलिस स्टेशन तक दौड़ो रन टू द पुलिस स्टेशन रन टू द पुलिस स्टेशन ये एक लड़की इसके बराबर में बैठी हुई है और यहाँ पर अटैक हो गया है तो इसी वजह से ये लड़की उस लड़की से बोल रही है रन टू द पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन तक दौड़ो पुलिस स्टेशन को जाओ रन टू द पुलिस स्टेशन एंड आगे यही सेम लड़की इससे बोल रही है वे आपको दूतावास में ले जाएंगे दे विल गेट यू टू द एम्बेसी दे विल गेट यू टू द एम्बेसी वे आपको दूतावास में ले जाएंगे दे विल गेट यू टू द एम्बेसी नेक्स्ट माय फ्रेंड कैन यू प्लीज़ हेल्प मी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी में है और इससे बोल रही है टेक मी टू द पुलिस स्टेशन मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ टेक मी टू द पुलिस स्टेशन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर कैन यू गेट मी आउट ऑफ ईयर क्या आप मुझे यहाँ से निकाल सकते कैन यू गेट मी आउट ऑफ ईयर क्या आप मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं अब ये लड़का यहाँ पर बोल रहा है आई डो नॉट नो हाउ मैं नहीं जानता कि कैसे आई डो नॉट नो हाउ नेक्स्ट माई फ्रेंड यहीं रुकिए स्टे हेयर जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई यहीं रुकिए तो उसको कैसे बोलेंगे स्टे हेयर यहीं रुकिए वी नीड टू फाइंड अनदर वे आउट हमें कोई और रास्ता निकालने की जरूरत है वी नीड टू फाइंड अनदर वे आउट माई फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये वाला हम बोलते भी हैं वी नीड टू फाइंड अनदर वे आउट वी नीड टू फाइंड अनदर वे आउट हमें कोई और रास्ता निकालने की ज़रूरत है नेक्स्ट माय फ्रेंड ऐसा लगता है कि हम रात के लिए यहाँ फंस गए हैं लुक्स लाइक वी आर स्टक हेयर फॉर नाइट लुक्स लाइक वी आर स्टक हेयर फॉर नाइट ऐसा लगता है कि हम रात के लिए यहां फंस गए हैं like like स्टक है का मीनिंग क्या होता है फंस जाना नेक्स्ट माय फ्रेंड ये लड़की पूछ रही है मुझे बताओ कि तुम उन लोगों को कैसे जानते हो मुझे बताओ कि तुम उन लोगों को कैसे जानते हो टेल मी हाउ यू नो दिस पीपल टेल मी हाउ यू नो दिस पीपल ये खाने के बारे में यहाँ पर बोल रही है यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है दिस इज एक्चुअली रियली डेलिशियस दिस इज एक्चुअली रियली डैलिशियस डेलिशियस का मीनिंग क्या होता है स्वादिष्ट होना दिस इज एक्चुअली रियली डैलिशियस एक्चुअली गाइज द मैन ऑन द स्क्रीन हैज़ जस्ट लॉस्ट इज वाइफ इन अ टेररिस्ट अटैक एंड नाउ थिंकिंग हिमसेल्फ दैट मुझे तुम्हें कभी नहीं लाना चाहिए था मुझे तुम्हें कभी नहीं लाना चाहिए था आई शुड नेवर हैव ब्रॉट यू आई शुड नेवर हैव ब्रॉट यू मुझे तुम्हें कभी नहीं लाना चाहिए था आगे बोल रहे हैं मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ चाहता था आई जस्ट वॉन्टेड यू विद मी आई जस्ट वॉन्टेड यू विद मी मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ चाहता था आई जस्ट वॉन्टेड यू विद मी अब आगे बोल रहा है मैं वादा करता हूँ कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आई प्रामिस दैट वैन एवरी थिंग इज़ ओवर आई प्रामिस दैट वैन एवरी थिंग इज़ ओवर मैं वादा करता हूँ कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आई प्रामिस दैट वैन एवरी थिंग इज़ ओवर आई विल लिव माई लाइफ एंड मेक यू प्राउड मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और आपको गर्व महसूस करवाऊँगा मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और आपको गर्व महसूस करवाऊँगा आई विल लिव माई लाइफ एंड मेक यू प्राउड नेक्स्ट माई फ्रेंड मैं उनको विश्वास करने के लिए मना लूँगा उन पर नहीं होगा उनको होगा मैं उनको विश्वास करने के लिए मना लूँगा आई विल कन्विंस डैम टू ट्रस्ट मी आई विल कन्विंस डैम टू ट्रस्ट मी कन्विंस का मीनिंग होता है मनाना किसी को तो यहाँ पर बोल रहा है आई विल कन्विंस डैम टू ट्रस्ट मी अब जिन्होंने इसके फ्रेंड्स को इसकी वाइफ को मारा है तो उनके बारे में ये बोल रहा है आई विल किल दैम विद माई बियर हैंड्स आई विल किल दैम विद माई बियर हैंड्स मैं उन्हें अपनी नंगे हाथों से मारूंगा आई विल किल दैम विद माई बियर हैंड्स बियर का मीनिंग क्या होता है नंगे हाथ बियर फुट आई विल किल दैम विद माई बीयर हैंड्स लड़की यहाँ पर कॉल पे बोल रही है कॉलिंस यू मैस्ड अप द कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंस यू मैस्ड अप द कॉन्ट्रैक्ट आपने अनुबंध को बिगाड़ दिया है या गड़बड़ कर दी है उसमें यू मैस्ड अप मैस्ड अप का मीनिंग क्या होता है बिगाड़ देना किसी भी चीज़ को तो ये बोल रही है यू मैस्ड अप द कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंस आगे बोल रही है क्या मुझे इसकी देखभाल के लिए किसी और को संलग्न करने की आवश्यकता है क्या मुझे इसकी देखभाल करने के लिए किसी और की आवश्यकता है डू आई नीड टू एंगेज एल्स टू टेक केयर ऑफ दिस डू आई नीड टू एंगेज एल्स टू टेक केयर ऑफ दिस यहाँ पर कॉलिंग्स बोल रहा है एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल सब कुछ कंट्रोल में है सब कुछ नियंत्रण में है ऑल राइट right, सब ठीक है एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल वो लड़की यहाँ पर कॉल पे ही बोल रही है यदि यह नियंत्रण में है इफ़ दिस इज़ अंडर कंट्रोल इफ़ दिस इज़ अंडर कंट्रोल यदि यह नियंत्रण में है आई वुड हेट टू सी व्हाट आउट ऑफ कंट्रोल लुक्स लाइक वो बोल रही है इफ़ इट इज़ अंडर कंट्रोल देन आई वुड हेट टू सी व्हाट आउट ऑफ कंट्रोल लुक्स लाइक मुझे देखने से नफ़रत है कि नियंत्रण से बाहर कैसा दिखता है आई वुड हेट टू सी वाट आउट ऑफ कंट्रोल लुक्स लाइक She is telling him that तुम आकर मुझे देख लो तुम आकर मुझे देख लो You should come and see me. You should come and see me. तुम आकर मुझे देख लो You should come and see me. ये कह रहा है मैं आता हूँ और फिर तुम्हें देखता हूँ मैं आता हूँ और फिर तुम्हें देखता हूँ I, I will come and see you then. I will come and see you then. I will come and see you then. मैं आता हूँ और फिर तुम्हें देखता हूँ So guys, this is our last sentence and I request you all if you Uh, find my video useful for you to improve your english please uh, let me know in comment section so that i could get you know motivated to make uh, same kind of videos further for you so please do it okay till then bye bye have a great day head take care until we meet again